बजट में आसपास घूम सकता है। हमें कैनल रोड जाना है। मेरी क्या मेरी बोलियो बोलियो। अरे बाप रे, इतने सारे लोग भाई काफी टाइम है। कैसल वर्ड है, कैनल वर्ड रहे हैं। हिडन रास्तों से हमने ले चुकी है एक ट्विक्स और अब इसे चेकआउट करवा के चलते हैं बाहर। तो शाम के बज गए हैं 7 और हम आ गए हैं एबी हिल में। एबी हिल पार्क है, कैनलवर्थ कासल यहाँ बाई वॉक है। ये देखो वो, ये ज़्यादा दूर नहीं। अगर आप वहाँ से 15-20 मिनट्स की वॉक करके आओगे यहाँ तक तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा एबी पार्क, एबी हिल्स। अब यहाँ पे बैठ गए हम, थोड़ा बैठ के एंजॉय करेंगे, देखेंगे आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चांद सितारे देखेंगे यहाँ से। यहाँ से क्या बढ़िया दिख रहा है, आसमान देखो कितना बढ़िया लग रहा है। हमें यहाँ पे आधा एक घंटा हो गया लेटे हुए बैठे हुए। अब हम आधे घंटे बाद यहाँ उठे हैं, आधे घंटे बाद हम आगे चल रहे हैं। अब सो गया था मैं, नींद आ गई थी। अच्छी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। पता नहीं किसने ये जगह बनाई है, क्यों बनाई है, बनाने चाहिए थे उसको, ऐसे ऊपर नीचे पहाड़ नहीं बनाने चाहिए थे। तो दिखा दे क्या खेल रहे हैं। हम बहुत देर बैठ चुके हैं यहाँ पे, 2-3 घंटे हो गए। वो आगे चलते हैं, पावर नैप ले लिया हमने हर चीज़ से। इसने तो पता नहीं क्या कर लिया, बहुत खा पी। यहाँ और किसी के साथ आएगा तू? वाओ भाई क्या देख लिया, ये है स्वानस्वेल लेक, देखा तुमने? स्वानस्वेल लेक से बहुत बढ़िया ये लेक है। यहाँ पे बत्तख दिख रही हैं, बत्तख घूम रही हैं, बत्तख एंजॉय कर रही हैं, अपने मजे कर रही हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे बैठ के हम स्वानस्वेल जैसा लेक है, सेम जैसा हमारे काउंटर में, ये स्वानस्वेल जैसा ही लेक है, सेम अभी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है। इंटू 10 बोला था इसने, इंटू 10 तो नहीं लग रहा मुझे। आगे तक चलेगा तो 10 होगा ना, इंटू दिखा मेरे को। तो फिर इस व्लॉग को हम ही एंड करते हैं, देखते हैं कि क्या है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मोहन बड़ा बुरा टूरिस्ट है, पता नहीं आता। जो मैं शहतूत जैसी चीज़ नहीं उतारता पहले, हम कह रहे थे इसको खाने के लिए, अभी एक ब्रिटिश खा रहे थे तो हम भी ट्राई कर रहे हैं। पहले हमने फेंक दिया था, सच बताओ खा लिया भाई, कुछ दिक्कत होगी तो पता चलेगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ब्रिटिश खा रहे हैं उनको पता है कि उनके लोकल में क्या मिलता है। मुझे तो ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी। कैसे खाने में कैसी लग रही है? एकदम मस्त है। तो और ढूंढो, चलो डिनर करो, चलो डिनर कर लो डिनर कर लो जल्द। हम डॉग पार्क में आए हैं और ये लड़का हमें डॉग पार्क में ले आया है। हमें कुत्ते डॉग नहीं, तुम्हें घुमा रहा हूं। क्रॉस तो कर ही लेगा, चल तू कर पहले ये कर रहा है क्रॉस, उसके बाद हम करेंगे। कर जल्दी, खतरों के खिलाड़ी, ये तो पकड़ ले। पर फिर तू कैसे आएगा? आ जाएंगे, मेरे को हाथ दे दियो। बहुत गहरा है ये, बहुत ज्यादा गहरा है, अराउंड 50 फीट है ना। हां ये फिर भी क्रॉस कर रहा है। कर जल्दी कर, गिर गया होता। आ जा भाई, आ जा ध्यान, आ जा जल्दी कर क्रॉस। दो स्टेप अरे यार तूने ये 1 मिनट तो क्रॉस करने में लगा दिया। सारे हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है। तो की पड़ी है। मुझे चाहिए तू गिरे, अगर तू गिरेगा तो बढ़िया बनेगी ना वीडियो। तू गिरेगा नहीं तो पॉइंट। आई एम कमिंग बैक, मैं जाना क्रॉस तो करे। आई एम कमिंग होम, होम कमिंग जाना क्रॉस तो करता है यार। मैं कर लूंगा, तू कर लेगा तो मैं कर लूंगा। ठीक है, हाँ मैं क्रॉस करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो बहुत इजी पीजी है, बेमतलब में डर रहे हैं। ये सेकंड वाला भी इजी है और थर्ड वाला भी इजी है,
बाद फोर्थ वाला थोड़ा मुश्किल लगा मुझे, ये इजी है। अब यहाँ पे जाते हैं, नीचे दिखाता हूँ तुम्हें, बहुत बहुत गहरा है, ये इजी है। क्या बोला था? जूते गिले हो गए। अरे घर चलो, जल्दी घर चलो। मेरे जूते गीले हो जाएंगे भाई। प्लीज प्लीज जल्दी आ जा। व्हाइट जूते। अरे व्हाइट जूते क्या हो गया? तू जा जाता, मैं मेरे पास पुराने ब्लैक वाले होते तो आ जा यार, फुटेज के लिए आ जा यार। फुटेज के लिए तू गया ना? कुछ भी नहीं हुआ, देख पानी तो है, अगर गीला भी हो गया तो सूख जाएगा। आ तो जा, तूने क्रॉस कर दिया तो हीरो बन जाएगा फिर। तुझे वापस यहीं से आना पड़ेगा। एक काम कर, कैमरा कैच दे, मैं तेरा बता दूं ना। अगर तूने क्रॉस कर दिया और इजी आराम से आ गया तो वहां पे लॉक लगा, वहां से तू जा ही नहीं सकता वैसे। तो आ जाना फिर, तो करूंगा क्या करके उधर लॉक लगा हुआ है। यहां चलेंगे वापस, उधर भी लॉक लगा हुआ है, वो देख। अजान आ सकता है तू, अजान तेरा मन कर रहा है, आ सकता है। मन तो मेरा कर रहा है, पर पानी है भाई। अरे उधर तो और पानी हल्का हल्का लगा है। मैंने ना एक वहाँ पे कुछ दिक्कत कर दी, क्योंकि वो पत्थर हिल रहा है। देख ये दिक्कत कर। अरे राजा क्यों मस्ती कर रहा है? बैलेंस, बैलेंस इज द की ऑफ सक्सेस, यू नो व्हाट, balance is the key of success. अरे सुन, आ जा चुपचाप, आना ही पड़ेगा। अब तो आ ही रहा हूँ, देख कहाँ बीच में खड़ा हूँ अभी। यार तो दे दे, तेरा आगे यहाँ से बाकी तरफ कैमरा कर। हाँ आ रहा हूँ मैं, जल्दी आ जल्दी आ। देख एक और आ, हिल रही है, ये वाला हिल रहा है, ये हिल रहा है। देख इसके ऊपर दो पैर रख सकता है, करके तू दे सकता है, अभी दे सकता है तू, आ जा। इसके ऊपर पैर रख सकता है? नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है। देख देख कितना इजी यार, इजी पीजी, पीछे जा, देन लेमन मजे आ गए। बियर ग्रिल्स साइनिंग ऑफ। इसी के साथ हम ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, सी यू। पत्तों के और इन पेड़ों के पीछे कहीं बढ़ते हैं, वहाँ से ये रोड क्रॉस करके इस साइड आ सकते हो। हम तो घूम घाम के, हाँ कैसल है, कैनवर्थ का कैसल, तो फिर हम वो इतना घूम घाम के आए, तुम रोड क्रॉस करो इस साइड आ जाओ, ये लेक दिख जाएगा तुम्हें और एडवेंचर कर सकते हो हमारी तरह। एडवेंचर दिखा रहे हैं, वो स्टार्ट होगा यहाँ से, देखो। ओए मैं 250 पाउंड का चश्मा पकड़ लिया, ये बोलना ज़रूरी है। ओए हवा चल रही है, बैलेंस आउट। मैं यहाँ रोज काम करता हूँ तो मैं तो रोज आता हूँ यहाँ। इतना अच्छा कैसे बोल रहे हो, इतना साफ सुथरा सा। मैं बहुत साफ सुथरा ही बोलता। देखो अपने इंडिया में थोड़ा ऐसा होता है ना कि हम कब्रिस्तान और ऐसी जगह पे जाना अवॉइड ही करते हैं, हाँ घूमते हैं, पार्क के बीच में बना देते हैं उसे और उसमें घूमते हैं, देखते हैं, पीस है। ऐसा सही में डर भी नहीं लगता, हमें भी ऐसा नहीं लगता कि कहाँ आ गए भाई, नॉर्मली है। क्योंकि पार्क्स के बीच में कब्रिस्तान बनाया है। हाँ तो ये देखो ओपन रखा है विजिटर्स के लिए, क्या बुरा क्या है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हमें लगा था कि जैसे ऐसे कब्रिस्तान में अलाउड नहीं है बैठना, नहीं यहाँ पे सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। उस साइड पे सामने भी देखोगे ऐसे ही बैठे हुए थे, वहाँ चेयर्स भी लगी हुई हैं, तो हम भी बैठ के। हाँ ठीक है, देखो मैं कोई ऐसे सीरीज़ बनाने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, हम इस टाइम पे टर्म ब्रेक चल रहे हैं यूनी के, और हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो
तो उस टाइम को हम यूज़ करते हैं, टर्म ब्रेक चल रहे हैं उस टाइम को हम यूज़ कर रहे हैं। हम इवनिंग में आज शाम को 4 बजे चले थे और इस टाइम पे टाइम हुआ है अराउंड 8 PM हुआ है। मैं देखना पड़ेगा मुझे यहाँ से लास्ट बस देख के अब वापस चले जाएंगे। तो हम इसको यूज़ ऐसे ही कर रहे हैं कि आसपास जो भी लोकेशंस हमने अब तक नहीं देखी हैं, हमें यहाँ पे 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं तो उन प्लेसेस को देखने। हाँ 8 बज गए, अभी लास्ट बस यहाँ से लेंगे, पास में ही है बस स्टैंड और यहाँ से वापस चले जाएंगे। अच्छा पार्क है। कितने ही पैसे लग रहे हैं? 2 पाउंड लगेंगे। 2 पाउंड लगा के आ जाओ, यहाँ घूम लो और पिकनिक करनी हो अपना खुद फूड वगैरह लेके आना हो वो भी कर सकते हो, बैठ के आराम से बहुत सारी प्लेसेस खा भी सकते हो। बाहर भी आसपास लोकल शॉप्स हैं लेकिन वहाँ ये याद रखना 6 बजे बंद हो जाती हैं, 6 बजे लास्ट है यहाँ पे। स्मॉल टाउन्स की यही है, ये टाउन मार्केट है, बहुत बड़ा टाउन नहीं है, कैनलवर्ट बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे 6 बजे सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। इससे अच्छा ये है कि तुम अपना घर से कुछ पैक करके ले आओ, यहाँ पे सब बैठ सकते हैं, बैठ के खा लो आराम से इन्जॉय करो। बाकी मेनली मैंने अब तक जहाँ देखा है यहाँ पे अपने डॉग्स वगैरह को लेके आ रहे हैं, डॉग्स के साथ घूम रहे हैं, उनको घुमा रहे हैं। अच्छा पार्क है, इन्जॉय कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, ऐसे फ्रेंड हो जो यहाँ पे घूमें जो तुम्हें धोखा ना दे। ये देखो हाय दोस्तों, पूरा एक तो ये भी गए थे कब्रिस्तान में फ़ोटो खींचने, क्योंकि कब्रिस्तान जैसे कि बताया था यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया में होता है कि जा नहीं सकते कब्रिस्तान में, आराम से घूमो कब्रिस्तान में। सही है, सुकून है इसमें। देख हम लंदन गए हैं, लंदन घूमे हैं, वहाँ पे भाग रहे हैं सब, एक जगह दूसरा हैपनिंग है, लेकिन यहाँ पे एक सुकून टाइप है कि बस बैठ जाओ देखते रहो। ये मुझे लग रहा है ग्रीनरी ज़्यादा इसलिए ऐसा है ना, नेचर है, ग्रीनरी है, इसलिए ऐसा कुछ है। इसी नोट के साथ मुझे लगता है मुझे व्लॉग यहाँ पे एंड करना चाहिए। अलविदा। एबी फील्ड के सामने से ही बस स्टॉप से बस ले सकते हो जो डायरेक्ट तुम्हें कोवेंट्री उतार देगी। और बस स्टॉप का ही ये रहा, हट जैसा बस स्टॉप है, इस बस स्टॉप से तुम्हें बस मिलेगी। कौन सी? 11 नंबर वो डायरेक्ट पूल मेडो उतार देगी, पूल मेडो से तुम आराम से घर जा सकते हो। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करता हूँ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना हो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सी यू बाय। बाहर कर दिया सबको, तब से ये खंडर इलाका हॉन्टेड है। तो मतलब आज हम देख रहे हैं, रात भर सोच रहे हैं यहाँ पे रुके हैं हॉन्टेड इलाके में, फिर बताएं कि भूत वूत होते हैं कि ये नहीं। पीछे शाहरुख खान के सरसों के खेत हैं, सूख गए यहाँ पे सरसों के खेत, यहीं पे शूट हुई थी DDLJ, तो आधी यहाँ शूट हुई थी और आधी पता नहीं कहाँ हुई थी। यहाँ पे बोलते हैं कि शाहरुख खान आता रात को रात को शाहरुख खान, वो देखा ही होगा आधी हकीकत आधा फसाना टीवी पे आता है, शाहरुख खान आता है यहाँ पे रात को, ऐसा हाथ खोल के खड़ा हो जाता है भूतों की तरह। ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे मौत, जॉन की जो बीवी थी ना, क्वीन किंग जॉन था ना यहाँ का, चालू है दे देना, तो किंग जॉन था ना यहाँ पे, तो उसकी क्वीन को ना मार के यहाँ दफना दिया था पीछे। सच बोल रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे ना इसके पीछे दफना दिया था उसको तो अभी उसकी आत्मा रात को देखो झूठ बोल रहा है, हंसी छुड़ गई, झूठ बोल रहा है। नहीं, सच है ये, उसकी आत्मा ना यहाँ पे रात को भटकती है, तो अंत लेवल का झूठ बोल रहा है, अंत लेवल का है, कुछ भी इसमें सच नहीं। नहीं तो फिर वो जॉन का जो भाई था ना, उसने मारा था क्वीन को, और जॉन को मारा था जॉन के बाप ने, तो फिर उन लोगों ने मिलकर यहाँ पे राज किया 200 साल तक जिए वो लोग। सामने देखो यहाँ पे फील्ड है, ये अभी भी पता है उनकी फैमिली को बिलोंग करती है, हमें यहाँ आना अलाउड नहीं है क्योंकि हम लोग पेन ने राज किया था तो हमें अलाउड नहीं है यहाँ पे आना, पर हमारा कुछ कर्जा था तो हमें बस पास है। हाँ तो हम लोग हर जगह जा रहे हैं, जो जो इलाके ऐसे हैं खतरनाक डरावने हॉन्टेड, तो आपको बाद में बताते हैं फिर क्या होता है। अलविदा।